हमारे साथ मौजूद है कोसली से नव निर्वाचित भाजपा के विधायक अनिल रहिणा, उनसे बात करेंगे आखिर किस तरह का उनका पूरा सफर रहा चुनाव को लेकर, और जिस तरह से लास्ट मोमेंट पर उनको टिकट मिली थी पूरा सिनेरियो अब किस तरह से। सर आपका स्वागत। नमस्कार जी, थैंक यू। किस तरह से देखते हैं अपने जीत को आप? ये तो राव इंद्रजीत जी की और भारतीय जनता पार्टी का पूरा आशीर्वाद था, और इसलिए कोसली की जनता का आशीर्वाद था, ये इसलिए हमें जीत मिली कोसली विधानसभा। कांग्रेस की ओर से तमाम दावे किए गए कि वो जीत रहे हैं और तमाम तरह के जो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन आपकी तरफ से किसी तरह का इस तरह का कोई देखने को नहीं मिला, और राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद पूरी तरह से वो लगातार वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए, किस तरह से? राव इंद्रजीत जी का तो पूरा ही आशीर्वाद रहा, और हम किसी पे आरोप लगाने से क्या फायदा, हमें तो काम करके दिखाना था, लोगों से मिलना था, और पूरे कोसली की सरदारी का आशीर्वाद मिला और आज हम विधायक है। एक अब चर्चा ये भी है कि रोहतक लोकसभा की बात करें तो इकलौते विधायक आप जीत कर आए, कि कहीं ना कहीं वहां पर नुमाइंदगी देने की भी चर्चाएं लगातार, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं और कितना, क्योंकि जाहिर सी बात है आप विधायक हैं तो चाहेंगे भी, आप किस तरह से देखते हैं? देखो मैं तो, मेरे को तो राव साहब ने और पार्टी ने बहुत कुछ दे दिया है, बाकी पार्टी जो भी करेगी पार्टी का डिसीजन होगा, पर मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दे दिया, राव साहब ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। रेवाड़ी के लिहाज से बात कर ले, कोसली सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी जाती है, कहीं पूरी तरह से ग्रामीण कंस्टिट्यूएंसी है, तो उसमें आप लगातार घूमे तो लोगों की कुछ समस्याएं भी आपके सामने आई होगी, आपने भी एक्सेस किया होगा, पहले भी आप पार्षद रहे हैं वहां पे, जिला पार्षद रहे, तो क्या आपको लगता है कि वो समस्याएं क्या हैं जो आप प्राथमिक तौर पे? कोसली विधानसभा की जब दौरे किए तो हर एक गांव की कुछ सबकी अलग अलग समस्या है, कहीं पानी भराव की समस्या है, कहीं खारे पानी की समस्या है, कहीं हमारे जो कोसली के अंदर जो फ्लाईओवर है जिसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, अभी सीएम साहब ने बीसी भी हुई थी हमारी, तो मैंने उसके अंदर भी साहब सीएम साहब को कहा था जी इसको काम को थोड़ा जल्दी करो, लोग कोसली दो हिस्से में बटा हुआ है, तो सीएम साहब ने कहा इसकी जल्दी ही गति बढ़ाएंगे, तो ऐसे हर एक गाँव के अलग अलग मुद्दे हैं। अभी हम फिर दिवाली के बाद धन्यवादी दौरा करेंगे और उनसे सब गाँव में जाएंगे, उनकी समस्याओं को दोबारा से पूछेंगे और फिर उनका सोल्यूशन निकालेंगे। जब हम फील्ड में आप भी जा रहे थे, हम भी जा रहे थे, जो वहाँ पे भाजपा के ही विधायक थे लेकिन उनके खिलाफ विरोध बहुत ज्यादा था, एक कहीं ना कहीं कमजोर विधायक की बात होती थी, क्या आप कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अनिल रहिणा उसको फुलफिल करेंगे? देखो हो सकता है थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, मैं पूरी कोशिश करूंगा, किसी को नाराज नहीं करूंगा। एक आपने बात की कि अलग अलग गांव के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मसले हैं, तो क्या किस तरह से बांट के आपको इनकी प्लानिंग है, क्योंकि पहले जिला पार्षद भी रहे हैं आप, तो अनुभव तो है राजनीति का। बिल्कुल, अभी जब हम सब धन्यवादी दौरा करेंगे तो हर एक गांव से उनकी समस्याएं हम लेंगे और फिर आगे सबका समस्या का सोल्यूशन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और विधानसभा में कोई बड़ी समस्या हो तो विधानसभा में भी उठाएंगे, भाई ये सोल्यूशन करवाया जाए जल्दी से जल्दी। अनिल जी, जब हम प्राथमिक तौर पर एनालिसिस करते थे तो कहीं ना कहीं आपका नाम दूर तक नहीं दिखाई देता था, टिकट की दौड़ में भी बात कर लें तो तमाम बड़े बड़े नाम सामने आते थे, आपको टिकट दी जाती है तमाम, और बड़े जो कंटेंडर थे आपके सामने थे, कितना चैलेंजिंग था इस चुनाव को? देखो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता राव इंद्रजीत जी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिली, तो उसी दिन मैं पूरा आश्वस्त था कि ये दक्षिण हरियाणा में पूरा एक तरह से भाजपा का ही वो था, और अब देखा रिजल्ट आया तो पूरे हरियाणा में ही भाजपा का जोर था। एक उस माहौल में चुनाव जीतना, क्योंकि तब एंटिंग एमएससी थी तीसरी बार की और लगातार इस तरह के दावे किए जाते कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो कोसली में जब हम जाते थे कोसली कहीं ना कहीं आश्वस्त दिखाई देता बीजेपी को वोट करने के लिए, लोग बात भी करते थे जी, तो उसमें का कितना फायदा मिला? देखिए ऐसा उन्होंने माहौल ऐसा बना रखा था कांग्रेस ने, भाई इस बार सरकार आएगी, लेकिन कोसली में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस का कहीं माहौल है, मतलब हर जो युवा जो बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के जो नौकरी मिली, हर युवा दिल से साथ था, मतलब मैं उनसे पहली बार मिला और वो मेरा जब स्वागत करते थे ऐसे करते थे जैसे मैं पता नहीं कब से मैं उन लोगों को जानता हूँ, उनका प्यार इतना मिला और वो सिर्फ बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के कारण। एक हम जब आप लोगों के बीच जाते हैं, भीड़ जो आंकड़े की बात करते हैं कि उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा था, वो क्या कारण, क्या फैक्टर काम कर रहा था उस टाइम? मैं आपको यही कारण था कि भाई हमारे मतलब पार्टी का जो है, पार्टी साइलेंट वर्कर है बीजेपी का, और उसका कारण यही था कि बगैर पर्ची और बगैर खर्ची और युवाओं को नौकरी चाहिए और ईमानदारी से नौकरी चाहिए, हर युवा मतलब हम जिस गांव में भी गए इतना भारी स्वागत किया युवाओं ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, वो सिर्फ मेन जो सबसे मेन मुद्दा जो हमारा रहा वो बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के, तो लोगों को पता ही अभी इन 10 सालों में ईमानदारी से नौकरी मिली नहीं, पहले तो यहाँ नौकरियां ही कहाँ थी, गिनती की नौकरियां मिलती थी वो भी कोटे से मिलती थी, एक विधायक को कोटा मिलता था भाई आपको इतनी नौकरी मिलेगी, अब इन 10 सालों में इतनी नौकरियां मिली और आने वाले 5 साल में तो आप पूछो मत इतना अच्छा वो होगा, नौकरियों के लिए ही सब लोग चाहते हैं कि ईमानदारी से नौकरी मिले।
एक लास्ट मोमेंट जब इसकी दीपेंद्र हुड्डा सांसद की जब रैली होती है तो विक्रम यादव ज्वाइन कर लेते हैं, बताया गया कि एक मैसेज भी हुआ कि कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट इस चुनाव का हो सकता है, लेकिन वो भी काम नहीं है। आप पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए वो तो मेरे ख्याल से उनको देखिए इसलिए उनको लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन करेगा एक माहौल बदलेगा, लेकिन माहौल बदला नहीं, उनके खिलाफ हो गया। उनके गाँव से भी मैं जीत के आ रहा हूँ, अगर आप उनका गाँव का चेक करेंगे तो उनके गाँव से मैं जीता हूँ। एक आपने भी बात रखी कि वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कराएंगे, आप भी लगातार अपने चुनावी भाषणों में कह रहे थे, तो अब किस तरह से इसके लिए पैरवी करेंगे? अब हम सीएम साहब से मिलते रहेंगे और इसके इंडस्ट्रियल हब के लिए पूरी कोशिश करेंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। क्या कोई मैसेज आया है, क्योंकि 17 को शपथ ग्रहण समारोह है, 16 को आपकी विधायक दल की बैठक होनी है, को किसी तरह का कोई? नहीं, अभी कोई मीटिंग के लिए मैसेज आया है अभी, बाकी और जो आप मैसेज पूछ रहे ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। अपने कोसली विधानसभा के लिए क्या मैसेज देंगे उन तमाम लोगों को जिसने आप पे आस्था रखी, आप एक ट्रस्ट आपको पे दिखाया और एक कहीं ना कहीं बम्पर जीत से आपको भेजा? कोसली विधानसभा के सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा सभी, और जो भी मुझसे बनेगा मैं करूंगा, और उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं आपके बीच में रहूंगा। देखिए ये थे हमारे साथ जो कोसली के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक अनिल लहनौत का, तमाम तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से तमाम जिस तरह से क्योंकि अलग अलग गांव की अलग अलग समस्याएं उनका निवारण किस तरह से किया जाएगा, वही मंत्री को लेकर आखिर क्या उनको कोई मैसेज मिला उस पर भी बताया, लेकिन इतना जरूर है कि लो प्रोफाइल रहकर कैसे चुनाव जीता जाता है उन्होंने ये करके दिखाया, कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब जो जीत का श्रेय उन्होंने कोसली की जनता, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व भाजपा के शीर्ष नेता को दिया है। नमस्कार।